हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केबीएस में देखिए लगातार वैकेंसीज आ रही है और ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। मैं बार बार आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूं। एक्चुअली कुछ नए व्यूवर्स आ जाते हैं जिस वजह से जो है उनको भी फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि केबीएस में जो रिक्रूटमेंट आ रही है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे आ रही है, लेकिन याद रखिएगा ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे अगर आप यहाँ पे काम कर लेते हो 1 या 2 साल के लिए, तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको अलग ढंग से ट्रीट किया जाएगा, बिकॉज यू हैव अ एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस का फायदा आपको आगे तो मिलेगा ही मिलेगा। वैसे भी सपोज कर लो कि 2 लोगों की क्वालिफिकेशन एक ही है लेकिन एक के पास एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली वो बेटर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और केबीएस में जो नई वैकेंसी आई है पीआरटी टीजीटी पीजीटी की, और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 6 मार्च तक आपको अप्लाई कर लेना है। तो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। एक्चुअली 6 मार्च को नहीं, एक्चुअली कुछ कुछ पद के लिए जो है अलग अलग यहाँ पे डेट रखी गई है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें ताकि और लोग तक ये वीडियो पहुँचे। दूसरी बात, आपको अपने कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम नीचे लिखना है कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। तीसरा काम आपको ये करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है, साझा करना है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर की भी कटिंग भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अब देखो यहाँ से, देखो सबसे पहले 2-3 यानी कि 2 मार्च को जो है आपका टीजीटी में साइंस टीचर का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इसी दिन पीआरटी का भी जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा 2 मार्च को। बाल बाटिका टीचर यानी कि प्री प्राइमरी के लिए जो बच्चे होते हैं केजी यूकेजी वाले बच्चे, उनके लिए भी बाल बाटिका शिक्षक की रिक्रूटमेंट है। तो देखिए बाल बाटिका के लिए एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और भी नामों से इसे जाना जाता है लेकिन ये 2 साल का होना चाहिए। अगर मैं पीआरटी टीचर की बात करूँ तो यहाँ पे बीटीसी या फिर डीएलएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। ये तो हो गई टीजीटी पीजीटी पीआरटी की बात। अब पीजीटी की बात कर लेते हैं जिनका इंटरव्यू 4-3 यानी कि 4 मार्च को कराया जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? फिजिक्स है यानी कि भौतिक विज्ञान, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, और इकोनॉमिक्स की इंटरव्यू आपको कंडक्ट कराई जाएगी। अब बात कर लेते हैं प्रशिक्षक यानी कि कोच की। तो देखिए इसमें योगा शिक्षक कला शिक्षक की जो है आपसे इनका जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, इस दिन आपको पहुंचना है। लास्ट जो है 6 मार्च को इसमें जो मिसलेनियस जो बचे हुए पद हैं उनके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जैसे कि स्पेशल एजुकेटर, इसके अलावा जो है डांस टीचर, स्पोर्ट्स कोच, नर्स, काउंसलर और कंप्यूटर प्रशिक्षक यानी कि कंप्यूटर काउंसलर की इंस्ट्रक्टर की जो है यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपका जो सीवी है या फिर आप जो आवेदन पत्र है, देखिए ये वेबसाइट पे मैं भी आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ से देखो ये वेबसाइट है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो या फिर खुद से पेन पेपर पे लिख के यहाँ से जो है गूगल पे टाइप करोगे तो वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। वहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, उसे भर लेना है एंड स्कैन करके ये देखो इस ईमेल आईडी पे co.in.kbbsf@gmail.com पे आपको भेज देना है। कब तक? 29/2 यानी कि 29 फरवरी शाम 3 बजे तक आपका जो है ईमेल पे पहुंच जाना चाहिए, जो इन्होंने बातें बताई है। याद रखिएगा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पीआरटी के लिए, और जो है इसका पहले एग्जाम आपसे कंडक्ट करा जाएगा। इंटरव्यू तो होगा ही होगा लेकिन आपका एग्जाम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम लिया जाएगा। याद रखिएगा एज जो है 18 से 65 रखी गई है, वॉक इन इंटरव्यू है, और ये जो रिक्रूटमेंट आई है केंद्रीय विद्यालय चतरा के लिए आई हुई अलग से, और हजारीबाग में ही इनका जो है इंटरव्यू कराया जाएगा, यानी कि केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग में ही सभी लोगों का इंटरव्यू होगा। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग से ये रिक्रूटमेंट आई है। जिनको जानकारी चाहिए होगा तो गूगल पे आप केबीएस हजारीबाग भी लिखोगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे जहां से मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड करी है। बाय द वे ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो सके। वीडियो को आपने यहां तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।